Hello friends, आज का टॉपिक है साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी? साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी सॉफ्टवेयर मेट्रिक यूज टू मीजर कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ प्रोग्राम. सो अगेन, साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी इज सॉफ्टवेयर मेट्रिक यूज टू मीजर कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ प्रोग्राम. And the cyclomatic complexity is also known as a structural complexity. It is also known as structural complexity. Why? Because it gives internal view of the code. It gives internal view of the code. Okay, so this is cyclomatic complexity. And one more thing is that this metric was developed by McCabe. This metric was developed by McCabe in 1976. Okay, so this is about cyclomatic complexity. Now, cyclomatic complexity find करने के लिए हमें एक flow graph given होगा. हमें flow graph को observe करना है, उसमें से cyclomatic complexity find करनी है. तो उसके लिए हमारे पास three formulas हैं. Cyclomatic complexity को find out करने के लिए three formulas हैं, बहुत ही easy हैं. जिसमें से एक तो बहुत ही easy है, जो आपको सबसे last में बताऊंगी मैं. तो first formula देखते हैं. So here we have the formula where VG is representing what? Cyclomatic complexity of graph G. E edges and nodes and the P is connected components. E edges and nodes and P is representing the connected components. Okay. तो इसमें एजेस क्या है हमारे पास? एजेस होती है साइड्स. जैसे पता ही है ग्राफ के अंदर एजेस होती हैं. तो ये जितने में एरोज दिख रहे हैं हमारी एजेस हैं. इस ग्राफ की, इस फ्लो ग्राफ की एजेस है हमारी. तो हमारे पास एजेस कितनी है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 and 13. वी हैव 13 एजेस. एंड नोड्स कितनी है? नोड्स क्या होते हैं? वर्टिसेस को हम नोड्स बोलते हैं. तो हमारे पास ये नोड्स हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. वी हैव 10 नोड्स. अब आते हैं कनेक्टेड कॉम्पोनेंट्स. यू मस्ट नो दैट फॉर अ सिंगल प्रोग्राम और सब रूटीन पी इज ऑलवेज इक्वल्स टू 1. फॉर सिंगल प्रोग्राम लाइक दिस पी इज इक्वल्स टू 1. पी इज कनेक्टेड कॉम्पोनेंट्स. सो फॉर अ सिंगल प्रोग्राम और सब रूटीन लाइक दिस द वैल्यू ऑफ पी इज इक्वल्स टू 1. तो अब हम यहाँ इस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करेंगे और अपना साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी फाइंड करेंगे. तो सिंपल सा है, ई की वैल्यू हमारी क्या आई थी? एजेस कितनी है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 and 13. ये 13 एजेस. एंड नोड्स कितनी थी? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10 नोड्स हैं. प्लस 2 इनटू द वैल्यू ऑफ पी इज 1. ओके, बिकॉज दिस इज अ सिंगल प्रोग्राम. तो यहाँ हम इसका वैल्यू पुट कर दें, इसे हम सॉल्व कर लेंगे. तो ये हमारा 5 आंसर आ गया, हमारी साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी की आ चुकी है. अब आते हैं सेकेंड फार्मूला पर. सेकेंड फार्मूला कहता है कि वी जी मीन्स साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ग्राफ जी इज इक्वल्स टू पाई प्लस 1. वेयर पाई इज रिप्रेजेंटिंग प्रेडिकेट नोड्स. पाई इज रिप्रेजेंटिंग प्रेडिकेट नोड्स. प्रेडिकेट नोड्स क्या होती हैं? वो नोड्स जिनके पास दो आउटगोइंग एजेस होते हैं लाइक दिस. इस नोड के पास दो आउटगोइंग एजेस हैं, ठीक है? तो जैसे कि कोई ट्रू कंडीशन के लिए, दूसरी फॉल्स कंडीशन के लिए हो सकती है. लेट सपोज ये हमारे कोई नोड है और यहाँ पर हमारे टू एजेस है. ये मान लीजिए ट्रू कंडीशन के लिए, फॉल्स कंडीशन के लिए होगी, या ट्रू फॉल्स, फॉल्स ट्रू, किसी भी कंडीशन के लिए. तो दो हमारी एजेस निकल रही हैं इस किसी पर्टिकुलर नोड से, तो वो कहलाती है हमारी प्रेडिकेट नोड्स. हाँ, अगर दो से ज़्यादा एजेस अगर निकलेंगे किसी पर्टिकुलर नोड से, तो हम उसके लिए पाई प्लस वन फार्मूला नहीं लगाएंगे. तो अब हमें इस फार्मूले से कॉम्प्लेक्सिटी निकालनी है, साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी फाइंड आउट करनी है. हमारा आंसर तो सेम ही आने वाला है 5. हम थ्री मैथड्स लगाएंगे, थ्री के थ्री मैथड्स में हमारा आंसर सेम ही आएगा. तो पाई की वैल्यू क्या होगी? हम देखेंगे इस ग्राफ के अंदर कौन कौन से प्रेडिकेट नोड्स हैं. प्रेडिकेट नोड्स मतलब जिसके पास से टू एजेस जा रही हैं, आउटगोइंग एजेस टू हैं जिसके पास. हमने फर्स्ट नोड देखा जिसमें आउटगोइंग एज कितनी है? 1 है. सेकंड नोड में आउटगोइंग एज कितनी है? 1, 2. तो हमें एक तो ये मिल गई, इसे हम टिक कर लेते हैं. हमारे पास हम इस नोड पर आए, यहाँ पर आउटगोइंग एज कितनी है? 1 और 2, 2 आउटगोइंग एज है. हम
यहाँ जो आ रही है एज उसको नहीं देखेंगे, सिर्फ जाने वाले को देखेंगे। तो यहाँ से एक ये जा रही है और एक ये भी जा रही है, तो ये भी हमारा प्रेडिकेट नोड है। नेक्स्ट आते हैं यहाँ पर, ये भी हमारा प्रेडिकेट नोड है क्योंकि यहाँ से हमारी जा रही है और यहाँ से भी जा रही है, दो जा रही हैं इससे, इस नोड से भी दो एजेस जा रही हैं, तो हम इसे भी क्या बोलेंगे, प्रेडिकेट नोड बोलेंगे। नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास ये वाला नोड, इस नोड में भी हमारी दो एजेस जा रही हैं, तो ये भी हमारा प्रेडिकेट नोड हो गया। प्रेडिकेट नोड को मैं शेड कर देती हूँ जिससे पता चल जाएगा अलग। और जो बची हुई है ये हमारी प्रेडिकेट नोड नहीं है क्योंकि इस पर आ रही है, जा नहीं रही है, सिर्फ इससे एक ही नोड, एक ही एज जा रही है। यहाँ से भी सिर्फ एक ही एज जा रही है इस नोड से, इस नोड से तो हमने देख लिया ये है, और यहाँ से सिर्फ एक ही एज जा रही है, तो ये हमारा प्रेडिकेट नोड नहीं है। सिर्फ हमारे पास हमें फोर प्रेडिकेट नोड्स मिले हैं, तो हम फॉर्मूला में लिखेंगे पाई इक्वल्स टू 4 + 1 दैट इज 5। ठीक है, तो हमारे पास फिर से हमारे पास कॉम्प्लेक्सिटी जो आई है, साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी आई ग्राफ जी की, वो क्या आई है, 5 आई है। अब जो लास्ट मेथड है जो कि सबसे ही ज़्यादा ईजी है, जिसे आप सेकेंड्स में बता सकते हैं कि इसका आंसर क्या आने वाला है, इस ग्राफ से, इस फ्लो ग्राफ को आप देख कर ही बता सकते हैं कि हमारी कॉम्प्लेक्सिटी, साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी क्या आने वाली है, तो लास्ट मेथड है सिंपल सा, नंबर ऑफ रीजन्स वीजी इक्वल्स नंबर ऑफ रीजन्स, आप देख सकते हैं। तो नंबर ऑफ रीजन्स हमें काउंट करने हैं, तो रीजन समझते हैं, जैसे ये हमारी साइकिल बन रही है, यहाँ एक फर्स्ट रीजन हो गया, एक हमारी ये साइकिल बन रही है, हमारा सेकेंड रीजन हो गया, और हमारा एक ये साइकिल बन रही है, ये हमारा थर्ड रीजन हो गया, एक हमारी ये साइकिल बन रही है, एक हमारा फोर्थ रीजन हो गया। एक जो रीजन होता है हमारा बाहर का होता है, बाहर का एक कॉमन रीजन होता है, तो बाहर का एक ही रीजन होता है, ये हो गया हमारा फिफ्थ रीजन। ठीक है, तो हमारे नंबर ऑफ रीजन्स कितने हो गए, 5। आप ऐसे भी कर सकते हैं कि अंदर के रीजन्स काउंट करके उसमें प्लस 1 कर दीजिए, बाहर का अगर आपको नहीं समझ आ रहा है कॉन्सेप्ट, सिर्फ आपको जो अंदर साइकिल्स दिख रही है, अंदर जो रीजन्स दिख रहे हैं उसे काउंट कीजिए, 1, 2, 3, 4। ये हमारा साइकिल नहीं है, देखिए ये यहाँ से खुला हुआ है, तो ये हमारा रीजन नहीं कहलाएगा, ये हमारा आउटर रीजन हो गया, आउटर रीजन है ये, हम सिर्फ अंदर वाला देखेंगे, 1, 2, 3, 4 रीजन से, और 4 में प्लस 1 किया बाहर वाला रीजन, तो हमारा 5 आंसर आ गया। तो हमारे पास सबसे इजी मेथड ये था। तो आप सबसे पहले आप क्या करेंगे कोई भी सॉल्व करने के लिए फ्लो ग्राफ को, सबसे पहले आप रीजन्स काउंट कर लीजिए जिससे आपको आंसर पता चल जाएगा कि हमारा आंसर क्या आने वाला है, फिर आप जब करेंगे क्वेश्चन सॉल्व दूसरे फॉर्मूला से तो आपको आंसर वेरीफाई हो जाएगा। तो बस ये 3 फॉर्मूलाज साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी फाइंड आउट करने के लिए। थैंक यू।